सतगुरु याद तू ही वंदनीय गुरुदेव को गुरु स्वामी समन दास जी मोह ज्ञान करो बसी वंदनीय बार बार कर जोरे विघ्न हरे मंगल करे संत रूप प्रभु तो विघ्न हरे मंगल करे संत रूप प्रभु दूर। सतगुरु महाराज की छवि इन संतों के अंदर बताई है। आइए सतगुरु महाराज का की अमृत वाणी से एक शब्द पढ़ूंगा। और हमारे बीच आदरणीय हमारे बबलू भाई जो ढोलक पर बैठे हैं, बड़े अच्छे संगीतकार हैं, मैं उनका भी पूरी कमेटी की ओर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं। और आदरणीय जितेंद्र जी, वो भी बड़े अच्छे संगीतकार हैं, वो भी हमारे बीच पहुंचे हैं। जितने भी संगीतकार पहुंचे हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन है, सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं। बोलिए सतगुरु रविदास जी महाराज की, क्योंकि संगीत के बिना भी कुछ नहीं है भैया। माधवे संगत शरण तिहारी। ये जितनी भी संगत यहां बैठी है सतगुरु महाराज की शरणागत बैठी। माधवे संगत शरण तिहारी। माधवे संगत शरण तिहारी। ओ माधवे संगत शरण तिहारी। ओ माधवे संगत शरण तिहारी। हो उपकारी हो माधवे संकट शरण तिहारी। हो
तुम चंदन हम इरण बापुरे संग तुम्हारे वासा, तुम चंदन हम इरण बापुरे संग तुम्हारे वासा, तुम चंदन हम इरण बापुरे तुम, तुम चंदन हम इरण बापुरे संग तुम्हारे वासा, तुम चंदन हम इरण बापुरे संग तुम्हारे वासा, तुम चंदन हम, तुम चंदन हम इरण बापुरे संग तुम्हारे वासा, तुम चंदन हम तुम्हारे क्रूज से ऊंच भयो है, तेनी रूप से ऊंच भयो है, कंधे तुकंधे चंदन हम इरण बापुरे, ये मेरे मालिक आप तो चंदन की खुशबू की भांति है, चंदन के पेड़ की तरह है और हम तो अरंड की तरह है, जैसे अरंड का पेड़ होता है ना, सेवक ऐसे बता रहा है अपने आप को। सतगुरु महाराज चंदन की खुशबू है, जैसे चंदन की खुशबू पे सांप आते हैं ना और बड़ी मधुर खुशबू होती है, ऐसे ही सतगुरु महाराज के ज्ञान की, सतगुरु महाराज के सत्संग की बड़ी ही मधुर खुशबू है, बड़ी ही मधुर खुशबू है। कैसे बताया है अगली पंक्ति में सतगुरु महाराज ने, तुम मखतूल सफेद सफियल हम बपूरे जैसे कीरा, तुम मखतूल सफेद सफियल हम बपूरे जैसे कीरा, तुम मखतूल सफेद सफियल हम बपूरे जैसे कीरा, तुम मखतूल सफेद सफियल तुम मखतूल सफेद सफियल हम बपूरे जैसे कीरा, तुम मखतूल सफेद सफियल हम बपूरे जैसे कीरा, हे सत्संगत मिल रही है माधव, मिल रही है
वे भगत शरण तिहारी हो माधवे भगत शरण तिहारी हो माधवे भगत शरण तिहारी माधवे संगत चरण तिहारी हो माधवे संगत चरण तिहारी तुम मखदूल सफेद सफिया हम बकुरे जैसे कीड़ा, जैसे सफेद रेशम होती है ना बेदाग, ऐसे हमारे मालिक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, हम बकुरे जैसे कीड़ा। ये मेरे मालिक, मेरे सतगुरु महाराज, जैसे एक नाली में कीड़ा पड़ा होता है ना, हम तो उसकी भांति थे, लेकिन आपकी दया हुई, आपकी मेहर हुई, आपने उपकार किया। आज सतगुरु महाराज के चरणों में बैठ करके सतगुरु महाराज की अनमोल वाणी का पान कर रहे हैं। आइए एक बार दोनों हाथ उठाकर जयकारा बुलंद करेंगे। बोलो सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। जातियो छी करम भी ओछा ओछा जनम हमारा, जातियो छी जातियो छी करम भी ओछा ओछा कसब हमारा, जातियो छी जाति ओछी कर्म भी ओछा ओछा कसब हमारा। सतगुरु महाराज फरमा रहे हैं कि हमारी जो जाति है उसको भी ओछा समझा जाता है, जो हम कार्य करते हैं उसको भी ओछा समझा जाता है, लेकिन सतगुरु महाराज ने, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने घर घर जाकर, गली गली घूमकर उन सब कुरीतियों को खत्म कर दिया है। बड़ा उपकार किया है मेरे मालिक ने, मेरे सतगुरु महाराज ने हम सभी पर, कि आज सोने के भांति, पहले हमारे घर का कोई नहीं खाता था, लेकिन आज हम किसी और के घर का नहीं खाते। बोलिए सतगुरु महाराज की। सतगुरु महाराज ने सोने की भांति, हीरे की भांति चमका दिया है इस ओम को, इस बिरादरी को।
और बड़े 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 अच्छे अच्छे पढ़े लिखे संतों को हमारे बीच में छोड़कर हमें समझाने के लिए छोड़ दिया है, हमें बताने के लिए सतगुरु महाराज के रास्ते पर चलने के लिए, जैसे हमारे आदरणीय आचार्य गौरपाल सिंह ब्रह्मचारी जी, आदरणीय महाराज श्री प्रेमदास जी, आदरणीय महाराज श्री जगतदास जी, आदरणीय महाराज श्री श्रद्धादास जी, आदरणीय महाराज श्री खुशीदास जी और अन्य संत जितने भी मंच पर बैठे हैं, ये समाज के लिए कार्य कर रहे हैं, रात दिन जागते हैं, रात दिन चलते हैं हमें समझाने के लिए। कैसे बता रहे हैं सतगुरु महाराज, हाँ जाति ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, जाति ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, जाति ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, जाति ओछी कर्म भी ओछा, अरे जाति ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा, जाति ओछी कर्म भी ओछा, ओछा कसब हमारा। राजा राम की सेव न कीनी, ये राजा राम की सेव न कीनी, कह रविदास जमारा, माधवे संगत शरण तिहारी, माधवे संगत शरण तिहारी। सतगुरु महाराज फरमा रहे हैं, राजा राम की सेवना कीनी कहे रविदास चमारा। मैंने उस राजा राम की सेवा नहीं की है जिसको सारा संसार भगवान मानता है, जिसको सारा संसार भगवान कहता है, मैंने उस राजा राम की सेवा नहीं की, मैंने उस राम का जिक्र नहीं किया। सतगुरु महाराज की 41 वाणियों में राम का जिक्र आता है, लेकिन सतगुरु महाराज ने इस वाणी के द्वारा दर्शाया कि मैं उस राजा राम को नहीं मानता हूं, मैंने उस राजा राम की सेव नहीं की है। माधवे संगत शरण तिहारी, माधवे संगत शरण तिहारी, उपकारी माधवे संगत शरण तिहारी, माधवे संगत शरण तिहारी, माधवे बोलो साधो सतनाम भाई आवाज नहीं आई, बोलो साधो।